हेलो, यू आर वॉचिंग इंग्लिश डिपो एंड दिस इज पवन मी। मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे, बस ऐसे ही, मैंने बहुत पहले देखा था बट कभी सोचा नहीं कि ऐसा करूंगा जो आज कर रहा हूं। मैंने देखा कि इन लोगों ने अबाउट टू का यूज पढ़ाया है आपको और गलत पढ़ाया है। जी हां, गलत पढ़ाया है और आपने गलत पढ़ा है। आज मैं वो प्रूव करूंगा कैसे, लेकिन आप उन टीचर्स को तो देख लो एक बार जिन्होंने ये गलत पढ़ाया है, जिनका मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, लगा दिया। देख रहे हो इन्होंने अबाउट टू का यूज कैसे पढ़ाया है, किस तरह के सेंटेंस के लिए कैसे पढ़ाया है, एक बार आप देख लो। आप सर्च करके भी इनके वीडियोस को देख लेना ताकि आपको भी पता चल जाए कि कैसे पढ़ाया गया है। और रूल क्या है उसको तो आज मैं डिफाइन कर देता हूं, रूल क्या है मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मैं ये क्यों कह रहा हूं। आई हैव डन माई MA इन लिंग्विस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एंड आई हैव डन इट। डियर, ट्रांसलेशन का मतलब यह नहीं होता कि बस हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में लिख दो, हो गया ट्रांसलेशन। नहीं, यह ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि आप वर्ड्स को समझो, सेंटेंसेस को फील करो, वर्ड्स को, सेंटेंसेस के भाव को, अर्थ को, आत्मा को समझो, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। तो वाक्यों के शब्दों को मत देखो कि बस इसका अंग्रेजी में लिख दिया ट्रांसलेशन हो गया। नहीं, उन शब्दों से, उन वाक्यों से समझना है कि प्रयास करो कि वो वाक्य कह क्या रहा है, तब जाके आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। ऐसे ही नहीं हो जाता ट्रांसलेशन। हां, बहुत आसान है। यहां पे मैं आपको पूरा का पूरा इंग्लिश, संपूर्ण इंग्लिश सिखाऊंगा, वो भी वंडरफुल वे में। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा इतना छोटा सा चैनल और ये इतने बड़े चैनल वाले टीचर को ये कह रहे हो, वो कह रहे हैं। तो डियर, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा हूं तो यू आर ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज मैं नहीं कह रहा हूं। ये रूल्स कह रहे हैं कि वो गलत पढ़ाए हैं और आपने गलत पढ़ा है। ये किताबें कह रही हैं, ट्रस्टेड बुक्स, कि हां ये रूल गलत है, जिसको आज मैं आपको पढ़ाता हूं कि सही क्या है। डियर देखो, ये अबाउट टू अकेले ही नहीं है, हमें बी प्लस इन्फिनिटिव को भी जानना पड़ेगा इसके साथ में, तब ये अबाउट टू वाला खेल समझ में आएगा, जादू समझ में आएगा। देखो, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए मैं जाने वाला हूं, मैं जाने ही वाला हूं, या फिर वर्षा होने वाली है, वह सोने वाला है, वह सोने को है, तुम खाने को हो, तुम रोने को, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोगों को पढ़ा दिया गया है अबाउट टू का प्रयोग करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अबाउट टू का प्रयोग और बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होने का रूल है, जब वाक्य को पढ़ करके ऐसा लगे कि कोई काम थोड़ी देर में होने वाला है, थोड़ी देर में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी लग सकता है बट थोड़ी देर में होगा, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बी प्लस इन्फिनिटिव की। देखो, इन्फिनिटिव का मतलब आपको पता होगा टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और बी का मतलब तो आपको पता ही होगा इज, एम, आर का प्रयोग करना, और वाज या वर का प्रयोग करना ही होता है बी वर्ब। समझ में आया बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य से लगे कि कोई काम थोड़ी देर में होने वाला है। और बी प्लस अबाउट टू, यानी वही अबाउट टू का प्रयोग कब करते हैं? बी के साथ में। तो समझो, जब वाक्य को देख करके ऐसा लगे, पढ़ करके ऐसा लगे कि कोई काम थोड़ी देर में नहीं बल्कि तुरंत होने वाला है, एक दो मिनट में होने वाला है, ऐसे वाक्यों के अबाउट टू से बनाते हैं। समझो थोड़ा सा, एक तो मैंने बोला कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, यानी कि मैं रेडी हो रहा हूंगा और थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगा, मैं जाने वाला हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं जाने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला हूं, इसका क्या अर्थ निकला?
मतलब मैं रेडी भी हो चुका हूं, बस निकल ही रहा हूं, मैं तुरंत निकलने वाला हूं, एक दो मिनट में निकल जाऊंगा, दो चार मिनट में तुरंत निकलने वाला हूं, तो जाने ही वाला हूं। कभी कभी बोलते हैं कि मैं पढ़ने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं मतलब दो चार दस मिनट में, कुछ और कर रहे हैं उसको खत्म करके मैं पढ़ने वाला हूं, थोड़ी देर में करूंगा, मैं पढ़ने ही वाला हूं, मैं पढ़ने वाला ही हूं। इसका क्या अर्थ है कि बस तुरंत मैं बैठने जा रहा हूं पढ़ने के लिए ही। तो जब वाक्यों को देख करके ऐसा लगे कि कोई काम तुरंत होने वाला है, एक दो मिनट में होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, तब यूज करते हैं अबाउट टू का। अदरवाइज थोड़ी देर में होने वाला है के लिए हमें यूज करना पड़ता है बी प्लस इन्फिनिटिव का। यह है रूल, वो रूल नहीं है कि मतलब बस ऐसा लगे कि कोई काम थोड़ी देर में होने वाला है तो अबाउट टू लगा देते हैं। तो सिर्फ अबाउट टू नहीं है, बी प्लस इन्फिनिटिव को कैसे भूल सकते हो? अगर हर जगह अबाउट टू ही लगा देंगे तो बी प्लस इन्फिनिटिव को नहीं भूला जा सकता है। कहां लेके जाओगे उसको, कौन से गड्ढे में डाल दोगे उसको, उसको बुरा लग जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर द रूल। देखो अब इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, मैं जाने वाला हूं। देखो आपको पता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस में लिखना क्या पड़ेगा, सब्जेक्ट दैट इज आई। अब आई के बाद हमें अपनी वर्ब लिखनी है जो कि क्या है, बी वर्ब है, क्योंकि जाने वाला हूं, वर्तमान में कोई काम को करने वाला हूं, तो बी वर्ब यूज करूंगा। विद आई वी हैव टू यूज एम, आई एम। अब काम थोड़ी देर में होने वाला है, जाने वाला हूं मतलब तैयार हो रहा हूं या नहा धो रहा हूं, अभी टाइम लगेगा, जाने वाला हूं, आधा घंटा भी लग सकता है, तो थोड़ी देर में करूंगा। तो बी प्लस इन्फिनिटिव यानी बी वर्ब लिखा, डायरेक्टली इन्फिनिटिव लिखेंगे यानी टू गो। लेकिन मैं जाने ही वाला हूं, जाने ही वाला हूं का मतलब है कि मैं तुरंत जाने वाला हूं, बस थोड़ा सा भी समय नहीं लेने वाला हूं, तो तुरंत जाने वाला हूं। इस तरह के वाक्यों को बोलूंगा क्या, आई एम अबाउट टू गो। समझो वाक्य के अंतर को, वह सोने को है, सोने को है यानी कि खा पी चुका है, थोड़ी देर में सोएगा, सोने को है, थोड़ी देर में करेगा, थोड़ी देर में करेगा तो क्या बोलूंगा, ही इज टू स्लीप। वह सोने को ही है, वह सोने वाला ही है, वह सोने ही वाला है, वह सोने सोने पर है, वह सोने सोने को है, यानी कि नींद आ चुकी है उसको, सोने ही वाला है, लेट चुका है वो, कंबल ओढ़ लिया है, अब बस सोना सोना है, तो तुरंत होने वाला है, इसलिए क्या बोलूंगा, ही इज अबाउट टू स्लीप। देखो ये सब्जेक्ट हुआ, हमारी वर्ब हुई, और अबाउट टू का प्रयोग करके हमने अपनी वर्ब लिखा यहां पे, जो कि इन्फिनिटिव का काम कर रही है अबाउट के साथ में। आप पढ़ने वाले थे, कौन आप, यू, पढ़ने वाले थे यानी कि थोड़ी देर में आप पढ़ने वाले थे, कहीं चले गए, कुछ कर लिए, कुछ भी हुआ, लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, पास्ट की बातें हो रही है, वाज वर का यूज करेंगे, यू वर टू रीड। आप पढ़ने वाले ही थे, सॉरी आप पढ़ने वाले ही थे, आप पढ़ने वाले ही थे यानी कि बस तुरंत बैठ गए थे किताबें खोल करके, या किताबें ले लिए थे, किताबें लेने जा रहे थे, तुरंत करने जा रहे थे, और जब तुरंत करने जा रहे थे, करने वाले थे, तो आपको यूज करना पड़ेगा अबाउट टू। क्या बोलोगे, यू वर अबाउट टू रीड। समझ में आया ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबाउट टू एंड बी प्लस इन्फिनिटिव, ये है राइट वे और डिफरेंस कि कहां पे हमें बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं और कहां पर अबाउट टू का। कृपया गलत ना सीखें, आप गलत सीखेंगे आपको ही कंफ्यूजन होगा। आप लिख के आएंगे, कहीं पे आया है, आप लिख के आएंगे, लगेगा हमने तो सही लिखा है, बट अगर रूल के अनुसार जाएंगे और चेक किया जाएगा तो वह इनकरेक्ट पाया जाएगा, तो आपका मार्क्स तो कम होगा ही होगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं मैं तो सही करके आया था। तो प्लीज जितना सीखे सही सीखे, गलत ना सीखे। तो मुलाकात करते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, और अपनी पढ़ाई को, इंग्लिश सीखने की जर्नी को हमारे साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कोई सजेशन हो कमेंट करके बताओ। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।